क्वेश्चन को भी ले लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले सीखेंगे हाउ टू इनिशिएट, कि इनिशिएट कैसे करना है। सैम सर थोड़ा आइडिया दो इनको, हाउ टू इनिशिएट, हाउ दे कैन इनिशिएट। पहले तो सर वो बताओ ना, पोस्टर वर्ड से मेंटेन करना, फिर इनिशिएट वाला बाद में एक्सपोज कर दें वो। हाँ वो बता दो पोस्टर। देखो सबसे पहले आप देखो, अगर चेयर बना ही सकते हैं, कंटिन्यू आप बताओ सर। अगर चेयर बड़ी है तो एस पे बैठना है, ठीक है ना। अगर चेयर बड़ी नहीं है तो जो अपनी बैक है ना वो स्ट्रेट करके बैठना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पोस्चर धीरे 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 है ना बैंड होने लगते हैं। और जो आपके हैंड्स हैं वो नी पे रहने चाहिए, चेस्ट के एक्सपेंशन बाहर क्यों होना चाहिए, कीक कीक करके दिखाइए ऐसे करोगे। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ सर, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये जो है ना ये बैक है, ये बैक आपका, ये पीछे आपके चेयर के जो चेयर के वहां पीछे रहना चाहिए, क्योंकि फिर बैंड नहीं हो पाओगे आप, ठीक है। रिलैक्स में रहोगे, पीछे हो जाओ जितना पीछे हो। बट एक चीज ध्यान है, चेयर बड़ी होती है तो वहां पे फिर आगे बैठना होता है, क्योंकि पीछे होगा तो पैर ऐसे हो जाएंगे, हाइट के हिसाब से होती है ना पीछे, तो वो भी चीजें देखनी है। नेक्स्ट को थोड़ा ओपन कर दो, ऐसे क्लोज भी नहीं रखनी है, ज्यादा ओपन भी नहीं रखनी है, मीडियम रखो, चेस्ट के अंदर बाहर की हो, कौन बैठा है सही भी, ये सही बैठी मैं देखो, ठीक है ना। तो इस तरह से इसी तरह से स्टार्ट करना है। और जब आप जीडी शुरू करोगे ना, आप तो जानते हैं कि जो इनिशिएट करता है उसको अलग से पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो इनिशिएट तभी करना है जब आपके आपका टॉपिक बहुत अच्छे से प्रेपेयर हो, उससे पहले इनिशिएट नहीं करना है। या तो कहते हैं कि स्टार्टिंग में बोलो या फिर सबसे लास्ट में बोलो, ठीक है ना। इनिशिएट करोगे तो अलग से पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। जीडी में सबसे ज्यादा पॉइंट नोट किया जाता है, आई कॉन्टैक्ट सबसे मेंटेन करेंगे आप, ये नहीं कि सीधे एक आंख में देख के बोल रहे हैं। आई कॉन्टैक्ट करने में प्रॉब्लम है तो फोरहेड में देख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये कुछ की पॉइंट्स हैं। बाकी सर आपको बताएंगे डिसएग्री कैसे करना है और एग्री कैसे करना है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम डिसएग्री करते हैं ना तो बहस करने लग जाते हैं, ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होती है, तो बहस नहीं करनी है, ठीक है। हमें बहुत स्मार्टली अपना पॉइंट भी रखना है, और किसी के पॉइंट में अगर वैल्यू भी ऐड करनी है तो उसका तरीका ऐड करने का, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको कट कर रहे हो, कट तो कट ही रहे हो, बट आप उसमें कह रहे हो कि आई वुड लाइक टू ऐड सम लाइन, मतलब आप उसकी लाइन में ऐड करने की कोशिश करते हो। तो ऐसा भी करोगे तो उसमें क्या होगा कि आप उसके टॉपिक को क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं डिफाइन भी कर, रीडिफाइन भी कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अपने लाइंस को भी उसमें ऐड कर रहे हो। तो ये भी पॉइंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना, चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखनी है, क्योंकि स्माइल का मतलब क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस दिखाती है। नर्वसनेस रहेगी तो उसका मतलब ये लगेगा कि कहीं ना कहीं आप नर्वस हो जाएंगे, हंसने की जरूरत, आप कैसे बैठे हो, इतनी चीजें में पोस्चर चेंज हो जाता है आपका, और करो सीधे हो, बिल्कुल सीधे नहीं हो अभी आप। और ये बेल्ट है ना बच्चे, ब्राउन कलर नहीं पहननी है, प्रमोट कर रहा ब्राउन कलर बेल्ट, ठीक है ना। ओनली अब ये चीजें आपको याद रखनी है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है ना पॉइंट। और इस तरह से बच्चे ये शर्ट के अंदर जिस तरह का पहना है आपने, बाहर देखो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल ड्रेस, ये फॉर्मल ड्रेस नहीं कहलाती है, ठीक है ना। फॉर्मल का मतलब जब बैठोगे ना तो बॉडी बिल्कुल टाइट होनी चाहिए आपके, कहने का मतलब मेरा ये है, लूज ना हो आप कहीं से, पूरा स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए आपकी बॉडी में, कैपेसिटी में। ये धागे कड़े फ्रंट ऑफ गियर उतार के जाना है प्रोडक्शन के अंदर, यार अच्छा वो नहीं है, इंडिकेशन नहीं है, ओके ठीक है ना। आप थोड़ा थोड़ा पीछे कर लो चेयर को, क्योंकि उसमें दिखता रहेगा हमें कैसे बैठे हैं। आप भी थोड़ा पीछे जाओ, पीछे हो जाओ, हाँ बिल्कुल ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए सर। अभी आप ये सीखिए सबसे पहले हाउ टू इनिशिएट द ग्रुप डिस्कशन, this is very very important. Why it is important? Because when you initiate the group discussion, है ना, you are adding value to your confidence. जब initiate कर डाला, मान लाइफ जिंगा डाला. There is one quality which is called as initiative. One OLQ which is called as initiative. One officer like quality which is called as initiative. Whenever there comes any task, when a person who is initiating, who is doing the task first. Or who is raising his hands first, who is, you know, coming forth to do that task, that person is having the OLQ, officer-like quality, which is called as initiative. And when you are quite smart and quick in initiating something, that means you hold that quality. Pura ka pura SSB is all about 15 OLQs. Us 15 OLQs mein se ye ek OLQ mukhya hai. So aapko initiate karne ke liye hamesha tayar rehna padega. How will you initiate? How will you go for this initiate? Initiate कैसे करेंगे? For any topic, yes. The topic which is with you. Sir, our Prime Minister, Prime Minister Atal Bihari Vajpayee said
neighbors cannot be changed, so we have to maintain a diplomatic dialogue between them. वो तो conclusion में बोल सकते हैं, initiate कैसे करेंगे topic के लिए. Very warm good morning to all the gentlemen present over here. ऐसे, right? सबसे पहले greetings करके, very good. Greetings करके, right? Yes sir. A jovial morning to each and everyone, right? Yes sir. और a warm greetings to each and everyone. Yes. इस तरह से बात करके. Are you getting what I'm saying? Yes sir. या तो बोल सकते हैं a jovial morning, a jovial evening, a jovial, right? Jovial morning, jovial evening. Jovial morning to each and every one. Can we say Jai Hind to all of you? I would like to come. Jai Hind bolna is more of fir conscious hona ke yes, drama kar raha. Yes. Bas simple language mein apna kariye. A jovial morning to each and every one. The topic, gentlemen, we have chosen for the group discussion today is this. Yes, sir. Right? Yes. फिर उसके ऊपर एक पॉइंट बोल दीजिए. इनिशिएट हो जाएगा. हाँ. Court. We like the court Hindi. Court यहाँ पर नहीं डालना. Group discussion के अंदर no court. Okay, sir. We have to. Group discussion के अंदर no court. You have to just start your topic. Yes, Jovial morning to each and everyone. Gentlemen, the topic which we are going to discuss. Right? Yes, sir. Gentlemen, the topic which we are going to discuss. Is जो भी है जनरल द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डैश 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 आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग यस सर इस तरह से है ना यस जैसे आपने वो टॉपिक के बारे में बोला गुड मॉर्निंग जनरल जो भी मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन आई वार्म ग्रीटिंग्स टू ईच एंड एवरीवन कोई भी तीन तरीके में से तरीका राइट यस सर एम आई क्लियर यस सर इस तरह से आपने बोला उसके बाद में जनरल द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दिस उसके ऊपर फिर एक पॉइंट बोल दीजिए फटाफट से ठीक है आई बस में उसके ऊपर एक पॉइंट बोल दीजिए आप वो पॉइंट बोल के शुरुआत कर दीजिए इंट्रोडक्टरी पॉइंट बोल दीजिए राइट यस सर इस तरह से इनिशिएट करना है एग्री कैसे करना है हाउ टू एग्री मान लीजिए किसी की बात आपको सही लगी पहला बात तो ये ध्यान रखना है कि हर तीन लोगों के बाद में बोलना है इमीडिएटली नहीं बोलना हर दो लोगों के या तीन लोगों के बाद में ही बोलना अपना पॉइंट साथ के साथ नहीं बोलना यानी कि इन्होंने पॉइंट दिया तो इनको तुरंत इनको नहीं बोलना मानो ये पॉइंट दे चुके हैं इन्होंने पॉइंट दिया उसके बाद में ये बोले फिर उसके बाद में ये बोले फिर ये बोलेंगे कम से कम दो लोगों को बोलने दो अपने बोलने के बाद में कम से कम कितने लोगों को बोले दो ध्यान रखना डोमिनेटिंग नहीं बनना ठीक है ना सर आप कुछ प्लीज ऐड करिए इसमें आपको इसका पॉइंट अच्छा लगा आप कैसे एग्री करेंगे और किसी के पास में कोई बेहतर तरीका ये तो सब तरीका ये तरीका सब लोग अपनाएंगे आई एग्री विद यू जनरल बट आई वांट टू रिफाइन योर पॉइंट फर्दर ये सब लोग बोलेंगे ऐसे सब लोग बोलते हैं बट यू मस्ट हैव वेरी नाइस पॉइंट आई एग्री विद यू जनरल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वुड लाइक टू ऐड मोर पॉइंट अब सुनिए मैं सिखा रहा हूं आपको जो चीज आप सीखिए जैसे मान लीजिए इन्होंने कुछ पॉइंट बोला राइट तो मैं इमीडिएटली मैं क्या बोलूंगा चेस्ट नंबर सो एंड सो आई एंडोर्स योर स्टेटमेंट आई एंडोर्स योर पॉइंट ओपिनियन या स्टेटमेंट एंडोर्स स्टेटमेंट करना मतलब मैं आपकी बातों को आगे बढ़ाना चाहूंगा आई एंडोर्स योर स्टेटमेंट मैं आपकी बात से सहमत हूं जिसको आप अग्री 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 करके बोलते हैं आई एम गिविंग अ न्यू वर्ड टू योर अग्री आई एंडोर्स योर स्टेटमेंट जनरल ठीक है और आप लोग ऑब्वियसली सेम बोर्ड में नहीं जा रहे ना अलग अलग बोर्ड में जाएंगे जब आप ये इस तरह से अपने पॉइंट को रखेंगे ना तो ही विल गेट टू नो दैट दिस पर्सन हैविंग वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ये छोटे छोटे शब्द भी क्या है ना भावनाओं को बदल देते हैं समय को बदल देते हैं आपकी इमेज को बदल देते हैं राइट यू हैव टू से आई एंडोर्स योर स्टेटमेंट
women. And further, I want to add that. Some help. And further, I want to add that. जो पॉइंट बोला फिर बोल दो, ठीक है? Yes sir. अभी इन्होंने बोला कि सर मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, हम बोलेंगे I disagree, है ना? Yes, yes. I am not agree with you. यही बोलते हैं ना? Yes, sir. सब लोग यही तो बोलते हैं यार, I disagree, I am not agree. Yes, sir. मेरे स्टूडेंट्स सैम सर के स्टूडेंट्स ये नहीं बोलते, आई उसमें हमारे स्टूडेंट्स जो है ना, हमारे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं बोलते. When you disagree something, you don't just say that I don't agree with you. Just say I beg to differ with you. What will you say? I beg to differ with you. Gentlemen. Differ with you. मैं आपसे आपके ओपिनियन से अलग होकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बट I beg to differ with you, gentlemen. But my opinion is, right? But my opinion is, जैसे आप भाषा बोलेंगे वैसा ही आपको समझा जाएगा, समझे कि नहीं? Your language speaks volumes about you, right? Yes, sir. जैसा आप अपने आपको प्रेजेंटेशन, जैसा प्रेजेंटेशन वहां जाके देंगे वैसा ही आपको समझा जाएगा. Yes, sir. I understood. Yes, sir. So when you have to agree, what will you say? I endorse your statement. I want to add some point. And further, I want to add that. Okay. How about you? I endorse your statement, but further I want to add one more point. जिसको ही बोलना है, जिसको ही बोलना है उसकी तरफ आंख करके मान लीजिए उसको बोलना है, ठीक है? I endorse your statement, gentlemen. And further I want to add that, पूरे confidence आपने आंख से आंख मिला के बोलिए. I endorse your opinion, but I want to add one more point. I endorse your opinion, gentlemen. I endorse your opinion, gentlemen. But I want to add one more point. But I want to add that. नोट कर लीजिए, आप अगर लाइन याद नहीं हो रहा नोट कर लीजिए इस लाइन को. चलो कर देंगे, कोई नहीं, ठीक है.